नमस्कार, मैं रोज। शायद एक फीमेल होने की वजह से ही मुझे बाइबल के फीमेल कैरेक्टर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मैं 2 दिन पहले मत्ती के सुसमाचार का पहला अध्याय का ध्यान कर रही थी। वैसे मेडिटेट कर रही थी, ये बोलना कितना सही होगा ये नहीं जानती, क्योंकि एक्चुअल में हम लोगों को मेडिटेट करना वैसे अच्छे से आता नहीं है, मगर यहूदी लोग मेडिटेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे और वैसे ही एनाबैप्टिस्ट लोग भी। अक्सर मैं बंद बाइबल को खोल, जो पेज सामने दिख जाए उसे ही पढ़, फिर बार बार पढ़ उस वचन को गहराई में जाने की कोशिश किया करती थी, सोचती थी, जानने की कोशिश करती थी कि परमेश्वर मुझसे इस वचन से कुछ बोलना चाहते हैं कि नहीं। मुझे लगता था कि वही मेडिटेशन है, मगर मुझे धीरे धीरे बाद में समझ में आया कि वो नहीं होता है रियल मेडिटेशन। एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। आप लोगों ने भजन संहिता में अधिकतर बीच बीच में किसी वचन के साइड में ब्रैकेट में सेला लिखा हुआ देखा होगा। जहां तक मेरा नॉलेज है, बाइबल में 74 टाइम्स सेला शब्द का प्रयोग किया गया है, जहां 71 बार भजन संहिता में ही और 3 बार हबक्कूक के चैप्टर 3 में है। इसका मतलब होता है ब्रेक या पॉज, भजन गाते गाते वहां रुक जाना और वापस फिर से उसे पढ़ना और ध्यान करना। अब जब भी आप भजन संहिता पढ़ेंगे और सेला शब्द देखेंगे, तो 2 पल वहां पॉज होना और उस वचन को फिर से दोहराना। हो सकता है कि वहां से आपको कुछ बहुत गहरी बातें मिल जाए, और अगर मिले तो मुझसे भी शेयर करें, जैसे मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। मुझसे कई लोग कमेंट में पूछते हैं कि क्या मैं कोई पास्टर हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, ना ही मैं कोई पास्टर हूँ, ना ही किसी मिनिस्ट्री की लीडर हूँ। मैं बिल्कुल नॉर्मल सी विश्वासी हूँ। बाइबल के अंदर के खजानों को ढूंढती हूँ और मुझे जो भी मिलता है वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। मुझे जितना भी बाइबल का नॉलेज है वो मैं एक एक करके आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। ये सोच के कि जैसे वचन मुझे तोड़ता है, जोड़ता है और फिर से प्रभु में खड़ा करता है, वैसे आप लोगों को भी करे। अब आप लोग मुझसे ये मत पूछना कि फिर रियल में मेडिटेशन कैसे करते हैं। मैं खुद अभी सीख ही रही हूँ। जब मैं सीख जाऊंगी तब आप लोगों से भी शेयर करूंगी। चलिए वापस मैं अपने टॉपिक में आती हूँ। मैं बातें बहुत करती हूँ, है ना। हाँ, तो मैं कहाँ थी? मत्ती के अध्याय 1 में यीशु की वंशावली। आप लोगों ने वहाँ 5 औरतों को देखा होगा। नॉर्मली वंशावली में औरतों का नाम इंक्लूड नहीं करते, मगर मत्ती एक यहूदी ने पवित्र रूप से इंस्पायर यीशु मसीह के वंशावली में औरतों को भी इन्वॉल्व किया। अब इन औरतों को देखें, इनमें से एक को छोड़ बाकियों का लाइफ बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, या कहो उनमें ऐसी कोई योग्यता नहीं थी कि उन लोगों को ये सम्मान प्राप्त हो। तामार, राहब, रूत, उरिया की पत्नी बतशेबा और मरियम। मरियम को छोड़ बाकी सभी के लाइफ में एक डार्क फेज था, लाइफ का ऐसा कोना जिसे अक्सर हम लोगों से छुपा कर ही रखना चाहते हैं। गिल्ट की कहानी, गलतियों की दास्तान और निसहायता के वो समय। कुछ शब्द जो कानों में फुसफुसाते होंगे, निंदा, पछतावा, अपमान, खेद, अयोग्यता, मगर बावजूद इसके परमेश्वर का प्यार और अनुग्रह इतना कि पुरानी हर बातों को हटा उन्हें एक नया सम्मान दिया। आज हम राहब, जीसस के फैमिली ट्री के उस सेकेंड लेडी के लाइफ को थोड़ा करीब से देखेंगे। राहब एक कैनानाइट कनानी स्त्री, एक प्रोस्टिट्यूट। राहब की स्टोरी यहोशू के अध्याय 2 से शुरू होती है। इज़राइल के लोगों ने जॉर्डन रिवर पार कर कनान में अपना पैर रखा, द लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, 500 साल पहले अब्राहम को दिया गया प्रॉमिस। 40 साल के सिनाई के रेगिस्तान के वो कठिन दौर के बाद यहाँ तक पहुंचे इसराइलियों की नई चुनौती, कनान देश, उनके प्रॉमिस लैंड पर कब्जा करना। और कनान का पहला सिटी जेरिको, द वॉल्ड सिटी, शहरपना वाला एक सिटी जिसे जीतना आसान नहीं, करीबन 11 फीट ऊंचा और 14 फीट चौड़ा शहरपना। नॉर्मली ऐसे सिटी को जीतने का सिर्फ 2 ही तरीका है। पहला, इसे बाहर से घेर ले और धीरे धीरे इसके फुट और वाटर सप्लाई को ब्लॉक करे ताकि भुखमरी से ये लोग अपने आप को सरेंडर करें। और दूसरा, उनके शहर पना में सुरंग बना अंदर की ओर एंट्री। ये दोनों तरीके से महीनों लगेंगे और साथ ही बहुत जान माल का नुकसान भी होगा। यरीहो को कॉन्कर करने का स्ट्रेटेजी 2 तरह से बहुत यूनिक था। पहला तो ये स्ट्रेटेजी, इस युद्ध का पूरा प्लानिंग खुद परमेश्वर का था, और दूसरा जो स्ट्रेटेजी था वो इंसानों की नजर में एकदम फूलिश प्लान था। 6 दिन नगर के चारों ओर 1 चक्कर लगाना है और 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना है।
6 दिन तक चक्कर लगाते समय कोई कुछ नहीं बोलेगा, मगर 7वें दिन के 7वें चक्कर के बाद जोर से नरसिम्हों की फूक और परमेश्वर की जय जयकार। परमेश्वर इस प्लानिंग से क्या देखना दिखाना चाह रहे थे? शहर पना को तो वैसे भी एक पल में तबाह कर सकते थे, मगर ये इस नए जनरेशन इसराइलियों के विश्वास का टेस्ट था। मिस्र से बाहर निकले इसराइलियों में सिर्फ 2 ही तो हैं, बाकी सब तो न्यू जन है। प्रॉमिस लैंड में एंट्री से पहले उन्हें उनके विश्वास का एग्जाम पास करना था। ये एग्जाम उतना इजी भी नहीं था। आप सोचिए, इतने सारे लोग एक साथ चल तो रहे हैं, मगर एक दूसरे से कुछ बोल नहीं रहे। सब साथ में तो है, मगर फिर भी सबको अपने अपने विश्वास को पकड़ कर रखना है। ना तो वो एक दूसरे के विश्वास को कुछ बोलकर बढ़ा सकते हैं, और ना कुछ कहकर किसी के विश्वास को कम कर सकते हैं। इन 7 दिनों में उन्होंने परमेश्वर पर आश्रित होना सीखा। कभी कभी अपने लाइफ के सामने खड़े शहरपना का सामना हमें चुपचाप ही करना पड़ता है, जहाँ देखने में तो लगता है कि सब हमारे साथ है, मगर सच तो यह है कि ये तो आपकी अपनी जर्नी है। एक ऐसी यात्रा जहाँ ना तो आप किसी से अपना डर बांट सकते हैं और ना ही अपना दुख। चुपचाप बस ऊपर वाले पर आश्रित होकर चलना है। ऐसे सिचुएशन में अक्सर प्रभु हमें उन पर विश्वास करना सिखा रहे होते हैं, क्योंकि ये जो शहरपना जैसा बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने है, उसे तो वो पल भर में गिरा सकते हैं, मगर फिर भी उसे गिराने का 7वां दिन उन्होंने पहले से ही प्लान कर रखा है। आपको 6 दिन तक रोज शहरपना को देखना होगा, फेस करना होगा और अपने अंदर विश्वास को जगाना होगा। शहरपना को देख उसे दिल में ललकारना भी होगा। ओ पर्वत की तरह ऊंचे शहरपना, 7वें दिन तू मेरे पैरों तले होगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने तुझे सिर्फ 6 दिन दिया है मेरे सामने अपना सीना चौड़ा कर खड़े होने का, मेरे जर्नी में रुकावट डालने का, मुझे डराने का, मगर 7वां दिन वो मेरा है, परमेश्वर के द्वारा मेरी जीत का है। दोस्तों, इसराइलियों के परमेश्वर के सामने तो यरीहो ऑलरेडी डरा हुआ था। यरीहो वालों को पता था कि इसराइल का टारगेट अब वो लोग हैं। वो लोग चौकन्ने हो चुके थे, निगरानी बढ़ा दी गई थी। अब मैं आपको शहरपना के उस पार ले चलती हूँ। शहरपना के ऊपर एक घर है, एक वैश्या का, नाम राहाब। राहाब के घर में मर्दों का आना जाना साधारण सी बात थी, इसी वजह से इसराइल से आए 2 खबरियों ने राहाब का घर चुना। पूरा यरीहो इसराइल के परमेश्वर से डरा हुआ तो था, मगर किसी ने अपने आप को उस परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं किया। सब बल और शक्ति पर तो कुछ अपनी किस्मत पर आश्रित हो रहे थे, मगर एक वैश्या ने अपने आप को उस परमेश्वर के सामने समर्पित किया। उसने खबरियों को छुपाया, उसने कहा, मुझे निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दे दिया है। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। उसने उन खबरियों से यहोवा की शपथ खिलवाई कि वो लोग उसके घर वालों को ना मारे। उसके घर की खिड़की शहरपना के बाहर की ओर खुलता था। उसने एक रस्सी के द्वारा उन खबरियों को सिटी से बाहर भी निकाला। परमेश्वर के जन के साथ उसने जो अच्छा किया, वही कारण बना उस विजाति स्त्री एक वैश्या के सम्मान का। जब यरीहो के शहरपना को परमेश्वर ने गिराया और जब सारा यरीहो एक बलि की तरह परमेश्वर के सामने जला, तब सिर्फ एक परिवार जिसने परमेश्वर यहोवा को स्वीकारा वहां से बच निकला। इसराइलियों ने राहब को इसराइल के कैंप के बाहर जगह दी, मगर पवित्र रू ने उसे यीशु की वंशावली में जगह दी। वो जो एक यहूदी नहीं थी, परमेश्वर की जन नहीं थी, ऑपोजिट टीम की, शत्रु राज्य की एक वैश्या। इसी वैश्या ने एक यहूदी से शादी की। उसने एक बेटा पैदा किया, नाम बोअज। वही बोअज जिसे यीशु मसीह का प्रतिरूप भी कहा जाता है। वही बोअज जिसने रूत से शादी की और राजा दाऊद का दादा बना। परमेश्वर के अनुग्रह को राहब से ज्यादा कौन समझ सकता है। एक स्त्री जिसका एक डार्क पास्ट था, उसे परमेश्वर का अनुग्रह पाने से कोई नहीं रोक पाया। डार्क पास्ट वाली स्त्री एक कारण बनी प्रॉमिस लैंड को जीतने का कारण, अपने परिवार को बचाने का कारण। गॉड कैन यूज एनीवन। हमारा ऐसा कोई पास्ट नहीं जिसे खुदावन धो नहीं सकते। चाहे हम कितने भी टूटे और बिखरे क्यों ना हो, हमें खुदावन अपने वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। इसी राहब ने बोअज को विश्वास में बढ़ाया होगा। परमेश्वर ने राहब को एक नई परिभाषा दी, एक गिरी हुई स्त्री से एक चुनी हुई स्त्री का दर्जा, एक बुरी लड़की से एक दुल्हन का दर्जा, एक मेस से एक माँ का दर्जा, एक प्रोस्टिट्यूट से मसीह की वंशावली की कड़ी का दर्जा। परमेश्वर ने आपको और मुझे भी इसी तरह परिभाषित किया। 1 पत्रस 2:9, किंतु तुम
एक चुना हुआ वंश, राज की पुरोहित, पवित्र राष्ट्र तथा परमेश्वर की अपनी प्रजा हो कि तुम उनकी सर्वश्रेष्ठता की घोषणा कर सको, जिन्होंने अंधकार में से तुम्हारा बुलावा अपनी अद्भुत ज्योति में किया है। इफिसस 2:19, इसलिए तुम अब परदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। इसलिए प्यारे दोस्तों, खुशी मनाए, आए एक दूसरे को परमेश्वर के वचन के द्वारा एनकरेज करें। शहर पना चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ढह ही जाएगा। हम बस सारे विश्वास के साथ अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं, चाहे कितना ही डार्क पास क्यों ना हो हमारा, फिर भी धैर्य से उनके पास आए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहे, बाइबल पढ़ते रहे और मसीह में बढ़ते रहे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद फरमाते रहे। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।